क्रिकेट के मैदान पर जो गेंदबाज कर रहे हैं फेरारी की सवारी, वो टीमें पड़ रही हैं दूसरी टीमों पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रफ्तार के उन सौदागरों की जिनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज दुबई हो, यूएई हो या अबुधाबी के मैदान की बात करें घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। आखिर ये रफ्तार के सौदागर कैसे धीमी पिचों पे इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, उस राज पर से आज पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये रफ्तार के सौदागर ये स्पीड के जरिए कैसे बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब रहे। उसका बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला राजस्थान और दिल्ली के बीच में मुकाबले में, जहां पर तीन गेंदबाज 150 प्लस गेंदबाजी करते नजर आए, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा वो गेंदबाजी कर रहे थे। और ऐसे में अगर पायल के पास बैट है तो वो भी बैट किनारे रख दिया है इन्होंने, इसलिए क्योंकि आज बात गेंदबाजों की हो रही है और बैट उन्होंने साइड में रख दिया क्योंकि वो भी चाहती है कि रफ्तार का जो रोमांच है उसका थोड़ा मजा लिया जाए। आपको रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले अपने खास मेहमानों से परिचय करा दें। पायल हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट है उन रफ्तार के सौदागरों के ऊपर जो अपनी रफ्तार से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आईपीएल सीजन 13 में लगातार वो बल्लेबाजों को न सिर्फ आउट कर रहे हैं बल्कि उनकी बॉडी को भी निशाना बना रहे हैं, यानी कि छोटे मैदानों पर अगर ये तेज गेंदबाज पहुंचते हैं तो डिफरेंट रणनीति होती है और जब बड़े मैदानों पर वो गेंदबाजी करते हैं तो अलग तरीके की प्लानिंग के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये रफ्तार के सौदागर बल्लेबाजों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देख के तो मेरा बैट साइड हो चुका है, लेकिन राजीव जी आप बताइए, आज आप बॉल भी नहीं लेके आए और आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको कौन लगता है कि अभी तक जिन्होंने खेला है इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतनी स्पीड में मार रहे हैं, तो कौन लगता है कि कौन सबसे बेस्ट बॉलर है अभी तक का? देखिए फास्ट बॉलर का प्रदर्शन देख के मैं तो स्पिनर रहा हूँ, इसमें मैंने बॉल किनारे रख दी क्योंकि नई बॉल जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और इतनी स्लो पिचेस पे इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट जब शुरू हुआ पहले तो कह रहे थे स्पिनर्स का डोमिनेशन होगा, लेग स्पिनर तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन बाकी अश्विन को अगर छोड़ दें तो बाकी कोई स्पिनर का नाम नहीं आ रहा। और ऐसे में जिस तरह से ये तीनों तेज गेंदबाज 150 प्लस गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत आसान नहीं है इनको मारना। हमने देखा नोकिया ने किस तरह की गेंदबाजी कल की, रबाडा जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं और उससे जोफ्रा आर्चर जो डरा रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। और राजकुमार जी आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित हैं कि एक धीमी पिचेस हैं, अबू धाबी की हम बात कर लें, शारजा की या दुबई की, लेकिन वहां पर ये तेज गेंदबाज बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी अपनी टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। राजीव जब स्पीड 150 के आसपास हो तो कहीं भी किसी भी विकेट पे किसी भी बल्लेबाज को खेलने में परेशानी होती है, एक अंदर से कहीं ना कहीं डर भी लगता है ज़रूर, कोई कितना भी कहे कि वो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब गेंद 150 की स्पीड पर आती है और कई बार देखा कि इन लोगों ने काफ़ी खतरनाक गेंद भी की हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए उसको फेस करना। और इतनी स्पीड, आप अगर विकेट नहीं भी हेल्पफुल है तो भी बहुत मुश्किल है खेलनी, और इन प्लेयर्स ने, इन तीनों ने खासकर दिखाया है कि ये 150 पे कंसिस्टेंटली बॉल कर सकते हैं। पहले 140 को एक मापदंड माना जाता था कि बहुत तेज़ है, लेकिन ये उससे भी आगे निकल गए हैं और जो कि बहुत खतरनाक स्पीड है किसी भी बल्लेबाज को फेस करने के लिए। बिल्कुल, और रितेंद्र सोडी के हाथ में गेंद है और वो अपने टाइम में मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते रहे जब इंडिया के लिए खेले। रितेंद्र, दो चीज़ें नजर आई जो मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया कल का मैच, खासतौर से नोकिया 150 प्लस डाल रहे थे, उसके बाद रबाडा उनका साथ दे रहे थे और सामने वाली टीम में जोफ्रा आर्चर लगातार अपनी स्पीड से परेशान कर रहे थे और लो स्कोरिंग मैच में इन फास्ट बॉलर्स का दबदबा देखने को मिला। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंसिस्टेंट स्पीड के साथ साथ क्रॉस सीम वो गेंदबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से जो बॉल स्किड कर रहा है वो अनप्लेबल सा हो जा रहा है और उसकी स्पीड शायद स्पीडोमीटर पे सही तरीके से आ भी नहीं रही होगी। कैसे आप देखते हैं ये क्रॉस सीम गेंदबाजी जो इस पूरे आईपीएल सीजन 13 में देखने को मिली है फास्ट बॉलर्स की तरफ से? जी हाँ रजीव, इसके पीछे टेक्निकल एस्पेक्ट है। नॉर्मली अमूमन हम बॉल को ऐसे पकड़ते हैं, अपराइट सीम होता है, क्रॉस सीम आप बॉल को ऐसे पकड़ते हैं, इससे एक दो बॉल की गति थोड़ी बढ़ती है। और अगर हम बात करें स्किड की, बॉल स्किड होता है, पिच पे पड़ के निकलता है और बॉल ज्यादा हिलता नहीं, स्विंग नहीं होता है, बॉलर जहाँ टारगेट करता है वहीं पे बॉल जाता है, तो ऐसा दिख रहा है सारे बॉलर्स ये कर रहे हैं। और कल जब नौकरी ने 156 की स्पीड पे बॉलिंग डाली, मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आ गया, शोएब अख्तर
बॉलिंग कर रहे थे, बोल्ट प्रेसिडेंट वर्सेस पाकिस्तान मैच था, दिन का आखिरी बॉल था, उन्होंने मुझे बाउंसर मारा, 150 प्लस होगा। और अजीब मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे बचा, और मैंने शाम को आके 3-4 बार पाठ किया कि मैं जिंदा हूँ। तो फास्ट बॉलिंग जब इतनी जबरदस्त होती है, ताबड़तोड़ होती है, तो आसान नहीं होता बल्लेबाजों के लिए। और मजा आ रहा है जिस तरह आर्चर बॉलिंग कर रहे हैं, रबाडा बॉलिंग कर रहे हैं, और ये नौकरी नया लड़का आया है, मुझे लगता है ये तबाही मचाएगा। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है पहल मैदान पे कि फरारी चल रही है, फरारी और जितनी फॉर्मूला वन की गाड़ियां हैं वो देखने को मिल रही, इतनी स्पीड से बॉल कर रहे हैं, और जब एक मैच में 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर रोमांच बहुत बढ़ जाता है मैच का। एक्चुअली बॉल दिख ही नहीं रही, लाइक बिल्कुल रेसिंग चल रही है, एक फास्ट चल रहा है, दूसरा उससे फास्ट चल रहा है, बॉल दिख नहीं रही, विकेट कहाँ जा रही है। मतलब कल का मैच और जितने मैच अभी तक खेले जा रहे हैं, बॉलिंग के हिसाब से देखी जाए हर किसी, मतलब बॉलिंग तो माइंड ब्लोन बहुत अच्छी चल रही है, और इतनी स्पीड से चल रही है कि बॉल ही नहीं दिख रही कि बॉल गई तो गई कहाँ। इसलिए पहले आपने बैट साइड रख दिया, बल्लेबाजी इतनी स्पीड वाले जो गेंदबाज हैं उनके खिलाफ ना करनी पड़े। राजकुमार जी, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हर टीम के पास कम से कम दो ऐसे गेंदबाज हैं इस आईपीएल सीजन 13 में जो कम से कम 140 प्लस तो डालते हैं, 150 अगर 7-8 टच कर रहे हैं, तो 10 बॉलर कम से कम ऐसे हैं जो 140 प्लस डाल रहे हैं। और ये एक अलग तरीके का आईपीएल इन दिनों देखने को मिला है, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पहले स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, फास्ट बॉलर्स ऐसा लग रहा है डोमिनेट करेंगे। बिल्कुल राजीव, अब ये कल्चर एक दोबारा से शायद जैसे पहले वेस्ट इंडियन क्रिकेट होती थी कि सब 140 प्लस डालते थे, तो अब हर टीम के पास ऐसे दो दो बॉलर्स हैं, और शायद अब ये बेंचमार्क बन गया है कि अगर आप 140 डाल सकते हैं तभी आपका सिलेक्शन अपने कंट्री की टीम में या किसी आईपीएल की टीम में होगा। तो और कंपटीशन देखिए कि सभी डालने लगे हैं ये स्पीड, मतलब इतने बॉलर्स एक ही टाइम पे, वरना होता था कि दो बॉलर ऑस्ट्रेलिया के बहुत तेज़ हैं या वेस्ट इंडीज़ के दो बॉलर बहुत फास्ट हैं, लेकिन अब आप हर टीम के पास देखिए, भले ही वो साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन इंडिया, तो सबके पास ऐसे दो दो तीन तीन बॉलर हैं जो 140 प्लस डालते हैं। और अब ये जो नई क्रॉप है ये तो अगर 150 क्रॉस कर रही है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बेंचमार्क 150 बन जाएगा सिलेक्शन का। बिल्कुल, चलिए, और अच्छी बात ये कि ये जो तेज गेंदबाज है रफ्तार के साथ बाउंसर्स डाल रहे हैं, और साथ में बल्लेबाजों को अपनी स्पीड के जरिए वो पवेलियन का रास्ता भी दिखा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे गेंदबाज भारतीय ऐसे गेंदबाज हैं जो बड़े कंट्रोल के साथ यॉर्कर्स डाल रहे हैं। आइए आपको तीन तस्वीरें पहले दिखाते हैं, ये तीन तस्वीरें हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक यॉर्कर्स डालने में महारत दिखाई है, टी नटराजन ने 27 यॉर्कर्स वो डाल चुके हैं, जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो यॉर्कर किंग के नाम से पहले ही खिताब अपने नाम कर चुके हैं, और मोहम्मद शमी ने भी बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की है इस पूरे सीजन में। वो ग्राफिक भी आपको दिखाएंगे कि कौन सा गेंदबाज कितनी यॉर्कर अब तक जो मैचेस में इसमें डाल चुका है, तो वो ग्राफिक मैं चाहता हूँ एक बार दिखाएं दर्शकों को, और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पंजा तोड़ गेंदबाजी यानी कि आपके जूते पर अगर गेंद आ रही है और विकेट की लाइन में है तो फिर आप का रन बनाना मुश्किल है और अपने आप को बचाना भी मुश्किल है। ये आप देखिए, ये सारे आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, मोहम्मद शमी अब तक 9 यॉर्कर्स डाल चुके हैं, यानी यॉर्कर डालने में भारतीय गेंदबाज सबसे आगे चल रहे हैं। ड्वेन ब्रेवो 9 विकेट है, और 27 यॉर्कर नटराजन जिन्होंने अभी भारतीय टीम के लिए क्रिकेट भी नहीं खेला है वो सबसे आगे चल रहे हैं, और ये दर्शाता है कि इंडियन क्रिकेट कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और पायल, ये तो वही है कि पंजा तोड़ गेंदबाजी, और आपकी हील अगर निशाने पे, अगर आप हील पहन के जाएं तो पूरी तरह निशाने पे होगी, हील टूट चुकी होगी, बट इतनी अच्छी माइंड ब्लोइंग, मैंने बैट साइड करके आई गिव अप टू ऑल द बॉलर्स। बिल्कुल, और भारतीय गेंदबाज आगे हैं यॉर्कर्स फेंकने में, रितेंदर ये एक बहुत अच्छा साइन मानते हैं। अब नटराजन 27 यॉर्कर अभी तक, यानी टूर्नामेंट आधा हुआ है और 27 यॉर्कर वो डाल चुके हैं, और सेकंड नंबर पे बुमराह और थर्ड नंबर पे शमी है। न्यू लोगों के लिए जी यार, अजीब ये बहुत अच्छी बात है, हम सब जानते हैं यॉर्कर कितना इंपॉर्टेंट वेपन है, और यॉर्कर के लिए आपको मेहनत करनी होती है, दिन रात एक करना होता है। हम लोग जिम्बाब्वे में थे, आशीष नेहरा डेथ बॉलिंग डालते थे, वो नेक्स्ट में सूरज ढलने तक 100 बॉल यॉर्कर की प्रैक्टिस करते थे, और तब जाके मैच में लगता है। तो बुमराह, नटराजन, इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी हम सब जानते हैं, और यॉर्कर अगर गलत हो जाए, अगर अपना डायरेक्शन चेंज हो जाए तो छक्का भी लग सकता है, इसमें बहुत मास्टरी की जरूरत है, और कमाल है भारतीय बॉलर्स की, और जो जो टीम अच्छे यॉर्कर्स लगा रही है वो टॉप ऑफ द टेबल है। नटराजन ने तो बहुत जबरदस्त दावा पेश कर दिया है राजकुमार जी, क्योंकि एक तो लेफ्ट आर्म सीमर है, और विराट कोहली बहुत अरसे से एक लेफ्ट आर्म सीमर ढूंढ रहे हैं, और क्योंकि वर्ल्ड कप आगे आ रहा है
जिस तरह की गेंदबाजी और कंट्रोल उन्होंने दिखाया, आपको लग रहा है बड़ा दावा इस यंग फास्ट बॉलर ने रख दिया है टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के सामने? बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। कंसिस्टेंटली ये यॉर्कर डाल रहे हैं और डेथ ओवर्स बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, इनका इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की काफ़ी दिनों से तलाश है और इसीलिए कई बॉलर्स को ट्राई भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाया अपने को। तो एक अच्छा दावा पेश किया है नटराजन ने और अब देखना होगा कि आने वाले मैचेस में भी अगर ये इसी तरह गेंदबाजी करते हैं तो ज़रूर ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत अच्छा दावा पेश करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए नटराजन के बारे में हमने बात कर ली और आज सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला आरसीबी बनाम किंग्स इलेवन पंजाब, और राजकुमार जी अपनी लकी टी शर्ट पहन के आ गए, यानी कि आज विराट कोहली की टीम फिर इस मुकाबले में धमाल करेगी। मुकाबला अबू धाबी में खेला जाएगा। कितनी आरसीबी के लिए ये जीत जरूरी, क्योंकि ये जीत अगर उनको मिलती है तो पॉइंट्स टैली में वो टॉप कर जाएंगे 12 अंकों के साथ। इस जीत के क्या कुछ मायने होंगे आरसीबी के लिए, इस पर आगे बातचीत करेंगे।